जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ ऑफ ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं होमगार्ड भर्ती के बारे में, जहां पर होमगार्ड के पदों के लिए लगभग 14,780 पदों पर सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों। जहां पर इस भर्ती के लिए खास बात ये है कि अगर आप लोग केवल और केवल 8वीं 10वीं पास हैं और आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हां फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल और केवल 8वीं 10वीं पास हैं और आप भी होमगार्ड की पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है, साथ में यहां पर आपको इस भर्ती के लिए कब से कब तक और कैसे आवेदन करना होगा, साथ में यहां पर आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलेगा। सो फ्रेंड्स, है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं इस वीडियो में होमगार्ड भर्ती 2023 के बारे में, जहां पर होमगार्ड के पदों पर 2023 के लिए 1478 पदों पर सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, होमगार्ड की नई भर्तियों को लेकर काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सर में होमगार्ड की नई भर्तियों के बारे में बताइए कि आखिर होमगार्ड की नई भर्तियां कब तक में होने जा रही हैं, कितने पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं, कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट कब से कब तक है आवेदन कर सकते हैं। तो फाइनली आप सभी को बता दें, होमगार्ड के पदों पर 2023 के लिए नई भर्तियां जारी हो चुकी हैं, साथ में आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों। जहां पर बात करेंगे सबसे पहले पोस्ट नेम के बारे में, तो यहां पर होमगार्ड रूरल एवं होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट के लगभग 1478 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन का। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहां पर इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ में इस भर्ती के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे जहां पर इस भर्ती के लिए आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहां पर ₹100 पर कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके एज लिमिट के बारे में, तो यहां पर अगर आपकी उम्र सीमा 19 से 40 वर्ष के बीच है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं एज में छूट की बात करें तो एज पर कोविन रूल, जहाँ पर आपको एज में छूट भी मिलने वाली है। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन के बारे में, तो यहां पर आपका सिलेक्शन क्वालिफिकेशन एग्जाम फिजिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। साथ में बात करें अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, डोमेसल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट है अनिवार्य रहने वाले हैं। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहां पर अगर आप लोग केवल और केवल 7वीं या फिर 10वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहां पर बात करें अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपका सिलेक्शन होता है तो आपका पे स्केल क्या रहने वाला है, तो यहां पर आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलने वाली है लगभग ₹16,400 पर मंथ की। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके फिजिकल टेस्ट डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए जहाँ पर
हाइट मांगी जाएगी 165 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जहां पर हाइट मांगी जाएगी 157 सेंटीमीटर, वहीं ऑल इंडिया नॉर्थ जोन के कैंडिडेट के लिए जहां पर सबसे पहले मेल के लिए हाइट मांगी जाएगी 162 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जहां पर हाइट मांगी जाएगी 152 सेंटीमीटर। वहीं बात करें इस भर्ती के लिए वजन के बारे में, तो यहाँ पर आपका वजन कम से कम 45 केजी होना चाहिए। बात करें जहाँ पर रनिंग के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी है। साथ में फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यहां पर सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे, आवेदन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वह वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम क्योंकि अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।